अस्सलाम वालेकुम। मैं एक बार फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक हाउस के यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। और मैं सच में बताऊँ तो घर में वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है। मैं चाह रहा था घर में वीडियो बनाऊँ लेकिन बहुत मुश्किल है। कभी ऊपर से चीं की आवाज़ आती है, कभी इधर से ऊपर वाले बुला लेते हैं, नीचे वाले बुला रहते हैं, तो मिक्स मतलब कि म्यूजिक बन जाता है। तो आज हम रिव्यू लेके आए, बैक टू द पॉइंट, आज हम रिव्यू लेके आए सोगो के रिचार्जेबल फैन का, जिसका मॉडल है JPN680 स्ट्रीम फ्लोर स्टैंड है, रिचार्जेबल है, टर्बो सीरीज है, लॉन्ग ड्यूरेशन बैटरी इसके अंदर डली है और स्ट्रोंगर पावरफुल विंड है। और स्पेसिफिकेशन में आपको बताते चले तो पावर सोर्स वगैरह लिखा हुआ है, बैटरी इसके अंदर 12 वाट की इस्तेमाल की गई है, मेरे ख्याल से 45,000 mAh की है या 4500 mAh की, अब मुझे आइडिया नहीं, लेकिन इसके अंदर इतना लिखा हुआ है। 4.5 AH की बैटरी इस्तेमाल की है और लाइट भी है इसके अंदर। चार्जिंग टाइम 12 से 15 घंटे, फर्स्ट टाइम आप इसको फुल चार्ज करें, फिर उसके बाद आप यूज भी करें और चार्ज भी करें। ड्यूरेशन ऑफ फैन इंटरेस्टिंग होने वाला है, हाई स्पीड पे 4 घंटे आपको देने वाला है। ये मतलब कि इस तरह के आपको कोई भी फैन इतने ज्यादा ड्यूरेशन नहीं दे रहा हाई स्पीड पे, यानी कि सोगो के ही में। और लो स्पीड में आपको 6 घंटे और मीडियम स्पीड में, नहीं लो हाई से लो स्पीड में आपको 6 घंटे, मीडियम में आपको 5 घंटे, और ये चीज है मतलब कि ये 3 या 5 घंटे 6 घंटे, दो दो घंटे का फर्क है। और अब बकाया इसके अंदर इस साइड पे आपको कुछ लोगोस वगैरह मिल जाते हैं। ऊपर साइड पे लिखा होता है कि फर्स्ट टाइम इसको चार्ज करना है 15 घंटे, ऊपर वाली साइड पे लिखा हुआ है। और सबसे भारी ये फैन हो रहा है मेरे लिए। अब हम इसको अनबॉक्स करते हैं। अनबॉक्सिंग से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिल जाए। और हमारे पास ये रिचार्जेबल फैन का लिमिटेड स्टॉक है। ये जो मैं भी रिव्यू कर रहा हूँ, ये दो इसके पास, इसके मेरे पास 2 यूनिट है। एक मैंने रिव्यू किया था उसका 1 यूनिट था, और एक रिमोट वाला किया था उसके भी 2 यूनिट है। पहले आए पहले पाए की बुनियाद पे है, बाद में आता है या नहीं आता क्योंकि सीजन में चीज गुम हो जाती है, और आती है तो बहुत महंगी आती है, लेकिन अभी भी ये बहुत महंगे हैं। ये अपने न्यू बॉर्न बेबी के लिए और बुजुर्गों के लिए ज्यादातर लोग परचेज करते हैं। एक्सटेंशन रॉड आ जाती है, बाद में इसकी एक्सेसरीज आ जाती है। ये है इसकी बेस, पैकिंग इसकी बहुत अच्छी है, ऑल ओवर इन द पाकिस्तान हम डिलीवरी कर सकते हैं इसको विदाउट एनी ब्रेकेज। ये इसकी और एक्सेसरीज हैं, ये इसका मॉडल वगैरह लिखा हुआ है। ये है हमारे पास इसकी मोटर, गाइड मैनुअल आ जाता है, हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमें सब कुछ पता है, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक हाउस को फॉलो करते हैं। जी हाँ, तो इसकी हम ये निकाल लेते हैं मोटर। इसका मॉडल मैंने बताया नहीं, बताया पता नहीं, बताया नहीं बताया, लेकिन पता होगा आपको। और ये इसका जो है ना बहुत आउट क्लास मॉडल होने वाला है। बैटरी आप इसकी चेक करेंगे, हैवी है यार, माशाल्लाह। ये चीज मेरे अजीज, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हमने इसको कर लिया। अब रसील क्या हो गया तुझे? सील्स आप इसकी रिमूव करेंगे, एसी पे भी चला सकते हैं इसको, डीसी पे भी चला सकते हैं। इस फैन की मजे की बात एक ही है, जो न्यू फैन आ रहे हैं उसके अंदर ऑटोमेटिक फंक्शन नहीं आ रहा, इसके अंदर ऑटोमेटिक फंक्शन आ रहा है कि आप इसको चार्जिंग पे लगा के रखेंगे, लाइट जाएगी, ये खुद बहुत ऑन आ जाएगा। हमने इसको ऑफ पे रखा है, ये डीसी पे ऑन हो चुका है। यहाँ पर आप इसको ऊपर करेंगे तो ये मूव नहीं करेगा, इधर आप करेंगे तो ये मूव करेगा, अगर ज्यादा लोग बैठे हैं तो उनको हवा देने के लिए। और ये इस वक्त लो स्पीड पे चल रहा है, मीडियम पे एंड हाई पे। ये आप देख सकते हैं इसकी स्पीड, और ये इसकी लाइट है, ये हाई पे है, ये हाई पे है, ये लो पे है, ये हाई पे है, ये लो पे है। एंड ये हमने ऑफ कर दिया, चार्जिंग लगाएंगे तो चार्जिंग का निशान देगा आपको। और 12 वॉट है,
और 12 वाट से भी चार्ज होती है, और इस साइड पे आपको जो है इसका अपना जो केबल दी हुई है उससे भी चार्ज हो गया। तो ये था हमारा रिव्यू रिचार्जेबल फैन का, जिसका मॉडल है 680, जिसका मॉडल है JPN 680। बहुत आउट क्लास प्रोडक्ट है, सोगो की सभी प्रोडक्ट आउट क्लास होती हैं, यूनिक होती हैं। अब इसका मैं आपको एक डेमो भी दूंगा जिसके अंदर हम इसको चार्जिंग पे लगाएंगे और जब लाइट जाएगी खुद बहुत ऑन हो जाएगा, वो भी डेमो देते हैं इसका। ये वो है इसका ऑटोमेटिक सिस्टम, देख सकते हैं कि चार्जिंग लाइट चार्जिंग हो रही है और ये डीसी पे होना, यानी कि ये डीसी पे चले। अगर आप अपने चार्जिंग के दौरान डायरेक्ट करंट पे इस्तेमाल करना, आप इसको एसी पे करेंगे, ये एसी पे हो गया। अब एसी पे देख सकते हैं कि कितनी हाई स्पीड इसको हो रही है, बहुत हैवी से स्पीड है क्योंकि अभी फुल चार्ज नहीं होता। अब हम इसको हाई स्पीड पे करके डीसी पे किया, ठीक है। अब डीसी पे हम जब भी इसकी लाइट चली जाएगी ना, अब मैं इसका जो है उतारता हूँ ये स्विच, अगर आप देख सकें तो ये मैं स्विच इसका उतारूंगा, साथ खुद ब खुद ऑटोमेटिक ऑन हो गया। अब देख सकते हैं डीसी पे। अब दोबारा स्विच लगाऊंगा, ये स्विच लगा है चार्जिंग में दोबारा कन्वर्ट, यानी कि ये ऑटोमेटिक है, लाइट जाएगी खुद ब खुद ऑन हो जाएगा, लाइट आएगी तो चार्जिंग पे लग जाएगा। ये इस जो है ना पंखे का बेनिफिट है, यानी कि इस मॉडल का ये बेनिफिट है। तो अगर आप ये खरीदना चाहते हैं पूरे पाकिस्तान के लिए, तो सामने दिए गए नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं, पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी मौजूद है। अगर तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो की अपडेट मिल जाए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, अपना और अपने पैरों का ख्याल रखिएगा, फ्री मान लीजिए।